अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 7 एनवायरनमेंट वाज कंटिन्यू एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर रीडिंग अप टू पेज नंबर 66. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. ओपन पेज नंबर 67. स्टूडेंट्स आवर टुडेज टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बेटा बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिनको इजीली नेचुरली डिकम्पोज किया जा सके या जो नेचुरली कुदरती तौर पर बेटा डिकम्पोज हो जाए. ठीक है जी, जैसे कि एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडीज़ हैं या एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो सब के सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. ठीक है जी, इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स हैं, ग्रास कटिंग्स हैं, पेपर लीव्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं बेटा ये इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं, इसलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे. जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेटा उनको कहते हैं कि जिनको इजीली डिकम्पोज ना किया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हैं, आपको पता है कि वो डिकम्पोज नहीं होते, उनको बर्न करना पड़ता है या फिर और कोई मेथड यूज़ करना पड़ता है जिससे हम उसको वेस्ट को मतलब फिनिश कर सकें. ठीक है जी, उसके लेट स्टार्ट टुडेज रीडिंग. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इफ़ नॉट यू विल इन अ मोमेंट. यानी अगर आप नहीं जानते बेटा इस डिफरेंस को तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. जी बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज नेचुरली, यानी ये कुदरती तौर पर डिकम्पोज हो जाता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल, तमाम जानवर और जो पौधे हैं बेटा वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं एज द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उनकी प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं ईजिली. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी बरेड इन द ग्राउंड, इसको ग्राउंड में यानी ज़मीन में दबाया जाता है, नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म हार्म टू द एनवायरनमेंट, और उससे इन्वायरमेंट को किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं होता जी. उसके बाद देखिए, इनफैक्ट इट इज़ बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट बिकॉज इट रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, क्योंकि ये जब हम ज़मीन में इसको दबाते हैं तो जितने न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में से कम हुए होते हैं वो दोबारा ज़मीन में सॉइल में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से वो ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, ग्रास कटिंग्स, पेपर लीव्स, बैग्स फ्रॉम मेड फ्रॉम द प्लांट्स फाइबर. ठीक है जी, देयर आर सेवरल वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन. कैसे जी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, इस के लिए देखिए कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इंक्लूडिंग बाय बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सनलाइट एंड हीट. ये वो तरीके हैं बेटा बैक्टीरिया के ज़रिए फंजाई जो है वो डिकम्पोज करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं सूरज की रोशनी से, और जो ज़मीन में अर्थ के अंदर जो हरारत है, हीट है, उसकी मदद से भी ये डिकम्पोज होते हैं. नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, जी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ये डिकम्पोज नहीं होते कुदरती तौर पे. इफ़ बरेड इन द ग्राउंड, अगर इनको ज़मीन में दबाया जाता है, इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो उसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं बेटा, कई सौ साल लग जाते हैं, इवन लॉन्गर, उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है कि वो ब्रेक डाउन उनको किया जाए. इवन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज़ नॉट नेसेसरली अ गुड वन, उसके बावजूद भी वो यानी अच्छे तरीके से डिकम्पोज नहीं होते बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर मटीरियल्स कैन कंटेमिनेट द सॉइल एंड रन एनी चांस फॉर द न्यू लाइफ टू ग्रो. कि उससे क्या होता है बेटा कि अगर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिकम्पोज हो भी जाएं अरसा दराज गुजरने के बाद तो भी वो मिट्टी को सॉइल को तबाह बर्बाद कर देते हैं और वहाँ पे प्लांट्स के उगने में काफ़ी जो है वो बाद में मुश्किल का सामना होता है क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं और मटेरियल्स हैं वो सॉइल को ख़राब करते हैं. एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड इन एग्जांपल देखिए बेटा, प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, मेटल केन्स जो यानी ये जूसेस वगैरह के जो केन होते हैं, ग्लास बॉटल्स, शीशे की जो बोतलें होती हैं बेटा,
टीवी सेट्स ये सब जनाब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। द बेस्ट वे टू डील विद द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू री यूज़ और रिसाइकल इट। सबसे बेहतरीन तरीका ये कि इसको हम दोबारा इस्तेमाल करें या रिसाइकल कर लें। इफ़ समथिंग सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन स्टॉप वर्किंग, नॉट एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ ब्रोकन। यानी अगर मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर वर्क करना छोड़ देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो बेटा नहीं टूटते। मच ऑफ़ द प्रोडक्ट कैन बी रीयूज और काफ़ी जो इसमें से पार्ट्स हैं वो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। सो थिंक बिफोर यू थ्रो देम थ्रू एनी थिंग अवे। इसलिए किसी भी चीज़ को इधर उधर फेंकने से पहले आप इसको सोचें और ट्राई करें कि ये दोबारा यूज़ हो सके। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन द एनिमल लाइफ। जानवरों की ज़िंदगी में बेटा क्या असरात मरतब होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दैट आर थ्रोन अवे नॉट ओनली कॉज प्रॉब्लम फॉर न्यू प्लांट लाइफ थ्रू द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द सॉइल। यानी सॉइल को ख़राब करके, कॉन्टेमिनेट करके, ना सिर्फ नए जो उगने वाले पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए मसला खड़ा करते हैं, दे कैन ऑल्सो हार्म एनिमल लाइफ, बल्कि ये जानवरों की जो ज़िंदगी है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेक ऑफ न्यू प्लांट्स इन एन एनवायरनमेंट हार्म द फूड चेन। नए पौधों की जो कमी है बेटा एनवायरनमेंट में, हमने न्यू प्लांट्स अगर नहीं लगाते तो वो फूड चेन को मतलब हार्म पहुँचाती है। फूड चेन में इसकी, इन प्लांट्स की कमी वाकई होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है इन प्लांट्स के ऊपर जो है दूसरे एनिमल्स ग्रो करते हैं, वो एनिमल्स जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है जी, उनको फिर ओमनीवोर्स खाते हैं, फिर उनको कार्निवोर्स खाते हैं। इस तरह से ये फूड चेन कंटिन्यूसली चलती है। लेकिन अगर फूड चेन का कोई एक पार्ट डिस्टर्ब हो, उसकी अमाउंट कम हो, तो दूसरी भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, बाकी बैलेंस भी ख़राब होता है। वेस्ट कैन एंड अप इन द ओशन किलिंग मेरीन एनिमल दैट एक्सीडेंटली फीड ऑन इट। यानी वेस्ट जो है जो समंदरों में जो मतलब फेंके जाते हैं, ठीक है जी, वो जो समंदरों में रहने वाली एनिमल्स हैं बेटा, उन सबको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनके लिए डेथ का वजह बनते हैं। एंड एक्सीडेंटली फीड ऑन इट, और जो उन जो जानवर उनको खाते हैं उनके लिए भी मौत का सबब बनते हैं। सम वेस्ट आइटम सच एज प्लास्टिक रिंग्स दैट फिट अराउंड द लिड्स ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बिकम कॉट अराउंड द नेक्स ऑफ द बर्ड एंड अदर एनिमल्स एंड शूक दैम। ठीक है जी, यानी छोटे छोटे वेस्ट आइटम्स जो प्लास्टिक रिंग्स, जैसे कि प्लास्टिक रिंग्स होते हैं बेटा, आपको पता है रिंग की शक्ल में अगर प्लास्टिक है तो वो जो बर्ड्स हैं उनकी नेक में फंस जाते हैं, अक्सर जानवर ये प्लांट्स की नेक में फंस जाते हैं, उससे उनकी मौत का सबब बनते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी भी अगर गर्दन में फंस जाए तो उनके लिए भी ये नुकसानदेह हैं। ठीक है जी, इसके अलावा बाकी भी प्लास्टिक के जितने आइटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं अगर उनको समंदरों में थ्रो किया जाए। ये देखिए बेटा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ न्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ वे ऑफ मेकिंग प्लास्टिक फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यानी इस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, साइंसदानों ने जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनानी शुरू की हैं। ठीक है जी, दीज प्लास्टिक्स आर देन यूज टू मेक प्रोडक्ट्स दैट वुड हैव बीन मेड विद द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन द पास्ट। जो पहले ज़माने में या पास्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनती थी चीज़ें, अब उनको ट्राई किया जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया जाए। जैसे कि अब आप देखते हैं कि शॉपिंग बैग्स पहले हमारे जो यूज़ होते थे वो प्लास्टिक के होते थे, और अब ज़्यादातर जो है वो आपने अक्सर शॉप पे विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि 10 to 20 rupees का शॉपर मिलता है, शॉपिंग बैग मिलता है, क्योंकि उसको जो जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और इजीली डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये कि वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थैंक
थैंक यू सो मच क्लास, आपने अच्छे तरीके से इस तमाम चैप्टर को रिवाइज करना है। आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।